दोस्तों, काफ़ी लोगों के साथ एक दिक्कत हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं, भाई फ़ोनपे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हो। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, बड़ौदा वगैरह बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। और दोस्तों, इनमें जो बैंक अकाउंट होते हैं, ग्रामीण वगैरह बैंक अकाउंट, कोई भी हो सकता है। और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप बैलेंस को चेकआउट करने जाते हो तो बैलेंस ही नहीं दिखता है, बैलेंस शो नहीं होता है फ़ोनपे में। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला। वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभार क्या होता है, बैंक की तरफ से सर्वर डाउन रहते हैं, जिस वजह से बैलेंस शो नहीं होते, और आप इस प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हो। मेरे अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे हैं, अभी शो नहीं हो रहा है, क्या होगा, मेरा पैसा किसी ने खा तो नहीं गया, कहीं काट टूट तो नहीं दिया बैंक की तरफ से मेरे बैलेंस किया, क्या किसी ने पैसा तो चुरा तो नहीं लिया है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं अपने दिमाग में घुस जाते हैं, और बाद में आप समस्या में आ जाते हो, और बाद में आप काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हो। सो गाइस, आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके खाते में जितना बैलेंस है उतना ही रहेगा, उससे कोई भी बैलेंस डेबिट नहीं होगा जब तक आप खुद से किसी को पैसा नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, दरअसल अपना जो फ़ोन है, हो सकता हो क्रैश हो गया, या फिर दोस्तों आपका जो ऐप है ये क्रैश हो गया, जिस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही। अगर ऐप क्रैश हो गया तो अपडेट करें, नहीं तो इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, बैंकिंग को स्टार्ट करें दोबारा, नहीं तो फ़ोन को रीसेट करें, दोबारा फ़ोनपे को ओपन करें, अपना जो अकाउंट है बैलेंस चेक करें। अगर शो हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम हो, बैंक की तरफ से डाउन हो, जिस वजह से ये सब हो रहा है प्रॉब्लम। और अगर सर्वर डाउन होगा, 2-1 दिन 3 दिन के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बैंक जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, बैंक की तरफ से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपनी जो भी समस्या है इसी तरह से समाधान कर सकते हो। मुझे पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार दीजिएगा वीडियो में, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए दोस्तों, गुड बाय।